भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य मध्य प्रदेश आज संकट में है, परंतु देश का मीडिया टीआरपी कमाने में व्यस्त है। इस संकट से बचा जा सकता है, परंतु राज्य सरकार इलेक्शन में व्यस्त है। यदि सरकार ने अभी इसी वक्त इसी संकट पर ध्यान नहीं दिया तो लासे बिछ जाएंगे, क्योंकि भविष्य मालिका के अनुसार 2023 से 2025 तक मध्य भारत में इतिहास का सबसे खतरनाक सूखा यानी ड्रॉट होने वाला है, एवं इसके कारण भारत एक बहुत बड़े स्तर के खाद्य संकट का शिकार होने वाला है, एवं इसका आरंभ अगस्त 2023 में होने वाला है। जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। सर्वप्रथम जानते हैं कि मध्य भारत में कौन से राज्य आते हैं। यदि टेक्निकली देखा जाए तो मध्य भारत में दो राज्य आते हैं, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। यदि भूगोल एवं इतिहास के अनुसार देखें तो मध्य भारत में पूरा मध्य प्रदेश, आधा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के कुछ अंचल, राजस्थान के कुछ अंचल, गुजरात के कुछ अंचल, बिहार के एवं महाराष्ट्र के कुछ अंचल आते हैं। 600 वर्ष पूर्व पंच सखाओं में श्रेष्ठ संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था कि कुंभ से लेकर मीन के मध्य काल में भारत का मध्य भाग भयंकर सूखे का शिकार हो जाएगा, जिसके कारण देश में खाद्य संकट का आरंभ होगा। इस भविष्यवाणी को और सरलता से समझते हैं। गुरुदेव के वाणी अनुसार जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश होंगे, तब से लेकर जब शनि मीन राशि में प्रवेश होंगे, इसी समय पर मध्य भारत सूखे का शिकार हो जाएगा। और भी स्पष्ट कहूं तो वर्ष 2023 से लेकर वर्ष 2025 तक। अब प्रश्न है कि शनि तो अनेकों बार राशि परिवर्तन करते हैं, ये कोई नई बात तो नहीं है। फिर 600 वर्ष पूर्व भविष्य मालिका में जिस भविष्यवाणी के विषय में कहा गया है वो 2023 से 25 के अंदर होगा, ऐसा हम कैसे मान ले। आपके जानकारी के लिए बता दूं, भविष्य मालिका में वर्णित अंक गणना के अनुसार वर्ष 1999 में कलयुग के अंत का समय आरंभ हो चुका है, एवं वर्ष 2013 में घोर कलयुग समाप्त हुआ था। वर्तमान हम संधि काल में है, इसके बाद आएगा सत्यकली, जब धीरे धीरे पृथ्वी पुनर्वार अपने पुराने स्वरूप में लौटने लगेगी। सत्य धर्म न्याय का स्थापना होगा, जो कि आगे चलकर पूर्ण सतयुग में परिवर्तित हो जाएगा। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। 1999 के बाद पहली बार वर्ष 2023 में 30 सालों के अंतराल के पश्चात शनि कुंभ राशि में प्रवेश हुए हैं, यानी संत गुरु अच्युतानंद जी ने इसी कालखंड के विषय में ही कहा था। केवल इतना ही नहीं, गुरुदेव ने कहा था, नबो नबो तीनी कंपिबो मेदिनी बारो बेनी मिसाइबु से काळोरे राम दसो ग्रामे एको ग्राम थिबो। अर्थ नौ 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 कांप उठेगा पृथ्वी, 12 को दो बार मिला देना, तब है राम 10 गांव में से एक ही बचा होगा। कुछ समझे? 999 यानी 1999 पृथ्वी कांप उठेगा, यानी ओडिशा का सुपर साइक्लोन, उसके साथ 12 को दो बार मिला देना, यानी 1999 प्लस 12 इनटू 2 इक्वल्स टू 2023। आज 2023 में संपूर्ण विश्व खंड प्रलय का ऐसा चित्र देख रहा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं किया था। कहीं पूरा शहर पाताल में समा गया, कहीं पूरे के पूरे गांव पर पहाड़ टूटकर गिर गया, कहीं हिंदुओं पर अत्याचार करके पूरे का पूरा पंचायत खाली करवा दिया, कहीं तूफान ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। अब अनेकों गांव जल प्रलय में समा रहे हैं, एवं आगे की परिस्थिति इससे भी गंभीर होने वाला है। ये मात्र संयोग नहीं कि इसी समय पर ही एल नीनो भी आ चुका है। सही में सोचने पर अद्भुत लगता है कि कैसे एक सरल से दिखने वाले संत ने 600 वर्ष पूर्व जब न कागज था न कलम, 2023 में एल नीनो की भविष्यवाणी भी कर दिया था। भविष्य मालिका का एक प्रसिद्ध भविष्यवाणी कि आकाश में 7 सूर्य दिखेंगे, कुछ लोग इसको सही से ना समझकर गलत जानकारी देते हैं। 7 सूर्य का अर्थ प्रचंड गर्मी। यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा था कि जुलाई 2023 मनुष्य सभ्यता के इतिहास का सबसे गर्म महीना था। 2023 में ग्लोबल वार्मिंग से हम ग्लोबल बॉइलिंग में पहुंच चुके हैं, यानी पहले गर्मी हुआ करता था, अब
उबलना आरंभ हो चुका है और आगे सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा, यानी सूर्य से होने वाले गर्मी का स्तर 7 गुना बढ़ जाएगा। आप खुद सोच कर देखिए, 2022 में भारत के अनेकों राज्यों में पारा 50 के पास पहुंच गया था, 2023 में भारत के अनेकों राज्यों में पारा 50 के पार पहुंच गया था, जंगल में अपने आप आग लग जाता था, नदी नाले सब कुछ सूख गए थे, यहाँ तक कि अनेकों ट्रेन्स में भी इसी भयंकर गर्मी के कारण आग लग गया था, यूरोप में तो रास्ते तक पिघल गए। 2024 में जब पारा 60 के पास पहुंचेगा तब क्या होगा? 2023 में बारिश का मौसम कम, खंड प्रलय का मौसम अधिक लगता है, जहां फसल पकने वाला था वहां इतना बारिश हुआ कि सब कुछ बह गया, जहां नई फसल लगने वाला था वहां बिल्कुल बारिश हुआ ही नहीं और जमीन फटने लगा। यदि बारिश होता भी है तो चंद घंटों में इतना होता है जितना एक साल में होना चाहिए। 90 के दशक में बादल फटने की घटनाएं बहुत रेयर था, परंतु आज हर दिन होता है। इसी ऋतु चक्र में परिवर्तन के कारण, एल नीनो के कारण, ग्लोबल बॉइलिंग के कारण अगस्त 2023 में मध्य भारत के अनेकों अंचलों में सूखा आरंभ हो चुका है। 2016 में मध्य प्रदेश के 46 डिस्ट्रिक्ट्स भयंकर सूखे से ग्रासित थे, 2021 में मध्य प्रदेश के 35 डिस्ट्रिक्ट्स सूखे से ग्रासित थे, 2023 में वर्तमान यानी इसी अगस्त के महीने में मध्य प्रदेश के कुछ अंचलों में सूखे का आरंभ हो चुका है। राज्य सरकार को तुरंत इस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो सकता है। इलेक्शन तो होते रहेंगे, परंतु हमारे किसानों को एवं उनके खेती को सुरक्षित रखना सबसे महत्वपूर्ण है। बिहार में भी समान परिस्थिति है, उत्तर प्रदेश में भी समान परिस्थिति है, भले ही छोटे स्तर पर हो। आर्टिफिशियल क्लाउडिंग टेक्नोलॉजी आ चुका है, जिसमें एक प्लेन के माध्यम से एक पूर्व निर्धारित स्थान पर एक विशेष केमिकल का स्प्रे करके बारिश किया जा सकता है। ये इतना सफल है कि अनेकों गल्फ देशों में इसका प्रयोग करके रेगिस्तान को जंगल में बदल दिया है। ग्रीन हाउस जैसे क्रांतिकारी विज्ञान आ चुके हैं, जिसमें बारिश की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ड्रिप इरिगेशन जैसी अत्याधुनिक चीजें आ चुकी है, जिससे पानी की बचत हो सकती है। क्या सरकार को हमारे किसानों के लिए इतना नहीं करना चाहिए? सच तो ये है कि भले ही आज भारत विकसित हो रहा हो, परंतु हमारे देश के अधिकांश किसान आज भी 50 वर्ष पीछे हैं। पूरे देश में ढंग के कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स भी नहीं है। अनेकों राज्यों में किसान रस्तों पर सब्जी फेंकने के लिए मजबूर हो गए थे, क्योंकि ना कोई लेने वाला था ना ही कहीं रखने के लिए स्थान था। अब जब खेतीबाड़ी सब कुछ नष्ट हो चुका है, खाद्य सामग्रियों का मूल्य आकाश को छू रहा है, अब परिस्थिति हाथ से निकल चुका है। मेरे मित्र, बचने के सभी द्वार हमने स्वयं बंद कर दिए हैं, अब तो केवल एक ही द्वार खुला है, जिसको संसार विनाश कहता है। क्या आप बता सकते हैं कि एल नीनो के विषय पर मैंने कौन से अध्याय में विस्तार से चर्चा किया था? जल्दी से उत्तर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि सही उत्तर देने वालों में से एक का नाम मैं कल के अध्याय में प्रकाशित करूंगा। पिछले अध्याय में मैंने पूछा था कि उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है। सही उत्तर है कस्तूरी मुर्ग। विजेता का नाम है सोहित सुयल। हमारे परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि सच हर घर तक पहुंच पाए। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।